हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब बेहतर होंगे। बात चल रही है एम फार्मा की। हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स के यूनिट थर्ड वैलिडेशन। वैलिडेशन का अर्थ था वैलिड, यानी जो चीज़ हम कर रहे हैं वो होगी या नहीं, इसका पहले से पता लगाना होगा वैलिडेशन। इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएँ हमने अपने पहले पार्ट में कर रखी हैं जनरल टर्म्स में, क्योंकि एम फार्मा लेवल पे आके पढ़ने जैसा कुछ भी नहीं बचता, केवल डिस्कशन बचता है। तो वो डिस्कशन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ना कि एक्सप्लेन करने की। वैलिडेशन की क्या ज़रूरत है वो बेहतर आप मेरे से जानते होंगे या जान गए होंगे, पिछला वीडियो देखकर आए हैं तो, नहीं आए हैं तो जाइए और देखकर आइए। जो भी पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था सब कुछ वही का वही लिखा हुआ है, बस शब्दावली के अंतर, और ये शब्दावली के अंतर किए गए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग नामों के साथ। किसी यूनिवर्सिटी में एडवांटेज पूछा जाएगा, किसी यूनिवर्सिटी में नीड पूछा जाएगा, किसी यूनिवर्सिटी में स्कोप पूछा जाएगा। उसके हिसाब से तीनों के लिए मैंने आपको शब्दावली दे दी। वही सब लिखा होगा, जब भी कोई नया मेथड आए, जब भी कुछ चेंज किया जाए, मेथड में कोई बदलाव किया जाए और जीएमपी के हम साथ हमें चलना है तो वैलिडेशन करना है। पर्पज़ क्या है? पर्पज़ पहला तो यही है कि हम फेल ना हों। जो भी टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना इंटरनल असेसमेंट करके चलते हैं, वो एग्ज़ाम से पहले अपने एग्ज़ाम ले लेते हैं, जो स्कूल्स से हम लोग करते आ रहे हैं, होपफुली आप लोग करते होंगे। वो क्या करते हैं, वो इंडिविजुअली अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इतना मुझने पढ़ लिया है और इसको मैं इस तरीके से प्रेजेंट कर पाऊँ। तो सबसे पहले तो टू एक्सेप्ट एन इंडिविजुअल सैंपल एज अ मेंबर ऑफ पॉपुलेशन अंडर स्टडी, फिर टू एडमिट सैंपल्स टू द मेजरमेंट प्रोसेस, नेक्स्ट टू मिनिमाइज लेटर क्वेश्चन एंड सिंपल सैंपल ऑथेंटिकेशन। सब कुछ जो नया हम बनाकर लाए वो है सैंपल, उसके बारे में सब कुछ पहले से ही जान लें तो बाद में कोई चीज़ होनी है। नेक्स्ट टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर रीसैम्पलिंग व्हेन नीडेड, और हम उस सैंपल को दोबारा से आइडेंटिफाई भी कर पाएँ और बना पाएँ, वो भी वैलिडेशन के थ्रू से। नेक्स्ट, ड्यू टू सक्सेसफुल वैलिडेशन देर इज़ अ डिक्रीज इन सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग प्रोसीजर। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वो क्वालिटी कंट्रोल वालों का काम लिमिटेड हो जाएगा, एंड देर आर लेस नंबर ऑफ प्रोडक्शन रिजेक्शन एंड रीटेस्टिंग, दिस लीड्स टू कॉस्ट सेविंग बेनिफिट। जो मैंने फाइजर का एग्जाम्पल दिया था कि उन्होंने US भेजा और वहाँ से वो प्रोडक्ट वापस भेज दिए गए, तो वो प्रोडक्ट अब उनके लिए वेस्ट हो गया और वो कॉस्ट अब वो कभी नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए कुछ प्लान्स बनाए जाते हैं, उस प्लान्स का मतलब है वैलिडेशन मास्टर प्लान। मास्टर प्लान क्या था? मास्टर प्लान वो था जिस प्लान पर चल के हमें किसी प्रोडक्ट को बनाना था, क्योंकि अब नाम आगे लग गया है वैलिडेशन, यानी वैलिडेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं उसका मास्टर प्लान। तो वैलिडेशन मास्टर प्लान को क्या बोल सकते हैं? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि कंपनी को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सके कि उसे वैलिडेशन कैसे परफॉर्म करना है। नेक्स्ट, इट्स शुड बी डिफाइंड एज डिटेल्स एंड टाइम स्केल अप फॉर द वैलिडेशन वर्क टू बी परफॉर्म, और इसी डॉक्यूमेंट में हम ये भी परफॉर्म लिख रखते हैं कि हमें वैलिडेशन करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेशन एंड देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू बी परफॉर्म व्हेन एवर वी आर डूइंग वैलिडेशन। सो द ईसी गाइडलाइन, व्हाट इज ईसी, यू हैव टू राइट इन द कमेंट। गाइडलाइन ऑन जीएमपी फॉर मेडिकल प्रोडक्ट्स एनेक्स 15 सेड ऑफ द वीएमपी दैट ऑल वैलिडेशन एक्टिविटीज शुड बी प्लान्ड, एज आई हैव सेड इन द लास्ट वीडियो, कि आपको अपने काम को पहले से प्लान करके रखना है और उसके बाद उस प्लान पे काम करना है तो आपका काम होता जाएगा। द की एलिमेंट्स ऑफ वैलिडेशन प्रोग्राम शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड डॉक्यूमेंटेड इन अ वैलिडेशन मास्टर प्लान और इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट। द वीएमपी शुड बी अ समरी डॉक्यूमेंट विच इज़ ब्रीफ, कंसाइज एंड क्लियर। वीएमपी में केवल वो पॉइंट ना हो जो हमें करना है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका रिजल्ट क्या निकला, ये भी हमें पता। जैसे मॉडर्न फार्मास्यूटिक्स का जो सिलेबस आपने डाउनलोड किया होगा इसका स्कोप भी वहाँ लिखा होगा। द वीएमपी शुड कंटेन डाटा ऑन, पहला नंबर, हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक पॉलिसी है तो हर इंडस्ट्री की भी वैलिडेशन की अपनी एक पॉलिसी है। फिर सेकंड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ वैलिडेशन एक्टिविटीज़, वैलिडेशन के अंदर कितने तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी। फिर समरी ऑफ फैसिलिटीज सिस्टम्स इक्विपमेंट एंड प्रोसेस टू बी वैलिडेटेड, जितनी चीज़ों को हमें चेक करना है हमें ये पहले पता होना चाहिए कि कितनी हैं वो। अगला, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट टू बी यूज फॉर प्रोटोकॉल्स एंड एक्सपोर्ट्स, और जब वैलिडेशन हो जाएगा या जब चल रहा होगा तो किस फॉर्मेट में उसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी या किस फॉर्मेट में रिपोर्ट दी जाएगी वैलिडेशन करने के लिए।
प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, चेंज कंट्रोल एंड रेफरेंस टू एक्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि विदाउट रेफरेंस फार्मेसी में तो कुछ भी प्रूव नहीं होता। इसका एक एडवांटेज क्या होगा, सब कुछ प्लान हो जाएगा एक्टिविटीज़ में, जो पर्सन इन्वॉल्व होंगे उन पर्सन के बारे में जानकारी हो जाएगी और उन पर्सन का काम हो जाएगा, जो पर्सन सर्टिफाई करेंगे उन पर्सन को भी उस 6M के माध्यम से उनको उनका काम मिला होगा, प्रोटोकॉल एंड रिपोर्ट्स हमें मिल जाएंगी, वैलिडेशन का डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास होगा, टाइम ऑफ स्टार्टिंग टू टाइम ऑफ एंडिंग हमें पता होगा और रिवीजन हमें पता होगा। वैलिडेशन मास्टर प्लान क्या है ये सब आपको पता लग गया। अब पॉइंट आया क्वालिफिकेशन मास्टर प्लान। वैलिडेशन के अंदर जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जाएंगे तो उसका शब्द आएगा क्वालिफिकेशन। इन क्वालिफिकेशन की चर्चा हम आगे करेंगे, अभी केवल उसके मास्टर प्लान की चर्चा कर लो। उसके मास्टर प्लान में यानी क्वालिफिकेशन के मास्टर प्लान में हमें क्या क्या पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट, वो टास्क जो मशीन द्वारा होने हैं, इसमें आप अपने व्हीकल का नाम लिख लीजिए कि व्हीकल क्या काम करेगा, उसकी स्पीड कितनी होगी, उस व्हीकल के कितने टूल्स होंगे, उस व्हीकल को कहाँ से ख़रीदा जा सकता है यानी उसके रिसोर्सेस, और वो व्हीकल किस तरीके से चलेगा, लाइक एक ट्रक को चलाने का अलग तरीका होगा और एक बाइक को चलाने का अलग, तो वो पूरे प्रोजेक्ट में उस जो जो उसके साथ होना है वो सब कुछ हमें QMP में नोट डाउन करना है और उसको चेक भी करना है। एंड इट इज़ डिस्क्राइब्ड एट वेरी अर्ली स्टेज ऑफ अ प्रोजेक्ट बाई इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, और इसको सबसे पहले हमें चेक करना है काम कराने से पहले, जैसे कि हम अपनी इंस्टीट्यूट में करते हैं, हम सबसे पहले चेक करते हैं कि वेइंग मशीन टेयर कर रही है या नहीं, क्योंकि टेयरिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेन एवर वी आर गोइंग टू वे। फिर SOPs आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ VMP और QMP दैट आउटलाइन रूल्स टू बी फॉलोड ड्यूरिंग प्रोजेक्ट, और अगर SOP नहीं होगी तो पर्सन को पता ही नहीं होगा कि ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है और इसे कैसे परफॉर्म करना है। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं और अगले वीडियो में हम लोग VMP या QMP की अगली चर्चाएँ करेंगे कि ये क्या होता है और कैसे बनाया जाता है, क्योंकि आप लोग जब आप M.Pharm करके इंडस्ट्री जाएंगे तो इसे आपको बनाना और रेगुलेट भी करना पड़ेगा। रेगुलेट आप तब कर पाएंगे जब आपको पता होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।